आपने इस तरह एक बिरयानी बना लिया तो आप बाजार से बिरयानी लाना भूल जाएंगे। चलिए बनाते हैं। ये चावल मैंने पहले ही से पका लिया है। अब ये चावल हम हेलो फ्रेंड्स, आज हम बने होने जा रहे हैं एक बिरयानी। चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हाफ टेबल स्पून घी डालेंगे। थोड़ा सा जीरा डालेंगे। गरम मिर्च डालेंगे। दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अब हम मिर्ची डाल देंगे। अब हम ये थोड़ी सी सब्जियां हैं वो डालते हैं। गाजर, ये मैंने लाल शिमला मिर्च लिया है। दाल को हम पका लेंगे। दो मिनट का ढक के पका लेंगे। सब्जियाँ हो गई, कुक हो गई हैं, ये हो गया है। अब हम चावल डाल देंगे। अब हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे 1/4। थोड़ी सी चिली पाउडर डाल देंगे। थोड़े से हम गरम मसाला डाल देंगे। ये बिरयानी मसाला 1 चम्मच डाल देंगे। अब टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नमक हमें नहीं डालना है क्योंकि बिरयानी मसाले में नमक बहुत डाल देंगे। हम फ्राई कर रहे हैं। फ्राई हो जाएगा तो कट करके बिरयानी ही डालेंगे। अब हम इसको काट कर बिरयानी पे गार्निशिंग करेंगे। एग की ये देखिए कितने अच्छे से एग को डाल देंगे। खाना बनाने के साथ साथ इसकी प्रेजेंटेशन भी मायने रखती है। आप किस तरह इसे सर्व करते हैं वो भी मायने रखता है। देखिए ये हमने सब लगा दिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। चलिए सर्व कीजिए। गर्मा गर्म बिरयानी बनकर तैयार हो गया। ये कबाब के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।